हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बिना लहसुन प्याज के शिमला मिर्च बनाना। जी हाँ, हम बेसन से शिमला मिर्च बनाएंगे। तो लीजिए, हमने यहाँ हमारे गार्डन से फ्रेश शिमला मिर्च को तोड़ लिया है, उनको अच्छे से वॉश किया है और उनको बीच में से चीरा लगाकर उनके बीज निकाल लिए हैं। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, इस ऑयल में हमने एक कटोरी बेसन को डाला है। अब हम बेसन को इसमें अच्छे से भून लेंगे जब तक कि ब्राउन कलर नहीं आ जाए बेसन का। अब आप देख सकते हैं हमारा बेसन अच्छे से भून चुका है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है। ये सारा प्रोसेस मीडियम फ्लेम पे किया है। अब हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल देंगे और साथ में ही इसको अच्छे से चलाते हुए मिलाएंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला, इन सबको अच्छे से ऐड कर देंगे। अब गैस को बंद करेंगे और इस मसाले को हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे। अब हम इसके अंदर नींबू का रस डाल देंगे। अगर आपको मसाला ड्राई लगे तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच इसमें पानी का भी यूज कर सकते हैं। अब हमने जो शिमला मिर्ची चीरे लगा के रखे थे, अब हम ये मसाला उन शिमला मिर्च के अंदर भर देंगे। अगर आपके पास ये मसाला एक्स्ट्रा बच जाता है तो आप इसको बचा के रखिएगा। जब हम इसको शिमला मिर्च को फ्राई करेंगे तब हम उसके अंदर बचा हुआ मसाला भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने शिमला मिर्च को कितने अच्छे से भर लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, पैन में हमने फिर से 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाल दिया है। ऑयल में अब हम जीरा और थोड़ा सा राई के दाने हम इसमें डालेंगे और साथ में ही आधा चम्मच हम इसमें डाल देंगे हींग। अब इन सबको अच्छे से पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च जो हमने भर कर रखी थी। अब हम इनको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे और 1 से 2 मिनट बाद हम इनको फिर से चलाएंगे और उसके बाद में एक लीड लगाकर ढककर रख देंगे। तो लीजिए, तैयार है अब हमारी शिमला मिर्च, वो भी बिना लहसुन प्याज के। तो गाइज, एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।